मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल के जूनियर विंग में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची के साथ एक शिक्षक ने अनैतिक हरकत किया। बच्ची के प्राइवेट पार्ट समेत शरीर के अन्य हिस्सों में दांत काटकर घायल कर दिया है। 55 साल का आरोपित शिक्षक पीड़ित बच्ची को होम ट्यूशन पढ़ाता था। शिक्षक के अवमाननीय हरकत से शनिवार की रात पीड़ित बच्ची को असहनीय दर्द हुआ और बच्ची की तबीयत काफी बिगड़ गई। फिर उसने अपने माता पिता को पूरे मामले की जानकारी दी। देर रात बच्ची को परिजनों ने इलाज के लिए SKMCH के चाइल्ड वार्ड में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलने के बाद अहियापुर थानेदार अरुण कुमार व महिला थानेदार पूर्णिमा कुमारी SKMCH पहुंची। पीड़ित बच्ची व उसके परिजनों का बयान दर्ज करने के बाद आरोपी शिक्षक, जो अहियापुर थाना क्षेत्र के ही भिखनपुर का रहने वाला है, उसके घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित बच्ची की हालत में सुधार होने के बाद SKMCH से छुट्टी दे दी गई। मामले को लेकर रविवार को छात्रा के पिता के बयान पर अहियापुर थाने में पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है। केस की IO नगर थाने में तैनात महिला दरोगा बबीता कुमारी को बनाया गया है। पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपित शिक्षक को विशेष पॉक्सो कोर्ट में प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पीड़ित बच्ची का 164 का बयान दर्ज कराने की कवायद की जा रही है। थाने में दर्ज प्राथमिकी में 7 वर्षीय पीड़ित छात्रा के पिता ने बताया कि उसकी बच्ची अहियापुर के प्रतिष्ठित स्कूल में जूनियर विंग में पढ़ती है। आरोपी शिक्षक भी वहां जूनियर विंग में ही हिंदी पढ़ाता है। वे उसके घर पर बच्ची को होम ट्यूशन पढ़ाने आता था। इस दौरान उसकी बच्ची के साथ अवमाननीय हरकत करता था। डर से उसकी बच्ची चुपचाप उसकी इस हैवानियत को बर्दाश्त कर रही थी। बच्ची के शरीर के कई हिस्सों पर दांत काट कर उसे लहूलुहान कर देता था। नगर DSP राघव दयाल ने बताया कि एक जुवेनाइल बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। मामले में होम ट्यूशन 55 साल के आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या है मामला, पूरा कैसे मामला? ये है जो ये हमारे रिलेटिव में बच्ची है, उसको ये होम ट्यूशन पढ़ाता था। ये तिवारी जी जो मास्टर है, इसका नाम हमको कंफर्म नहीं है। और विगत एक महीना से, बच्ची के कथनानुसार विगत एक महीना से इसको सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था। कल बच्ची को जब इंटरनल पार्ट में थोड़ा दर्द महसूस हुआ तो अपने मम्मी को बताई, तो मम्मी पूछी जो भाई कैसे क्या हुआ, तो बच्ची है उसको बहुत बुलाया गया, समझाया गया, तो बोली जे सर हमको एक महीना से इंटरनल पार्ट में कुछ अपना कहने में नहीं बन रहा है। तो फिर उसको मेडिकल ले जाया गया, तो मेडिकल में भी डॉक्टर लोग बोले जो हाँ ऐसा हरकत हुआ है। तो फिर हम लोग प्रशासन के पास गए, तो प्रशासन को कुछ क्लासिक कराते थे बच्चा को, कितना दिन से? बच्चा को कितना दिन से क्लास कराया था वो हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा फैमिली से मतलब रिलेटिव हैं, जान पहचान के हैं। तो ये हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे। बच्ची का उम्र 7 या 7.5 साल होगा। कौन क्लास में है? किस क्लास में? 1 में। 1 में है? जी जी। कितना दिन से पढ़ा था? वो कंफर्म नहीं है, उसके गार्जियन ही बता पाएंगे कितना दिन से पढ़ा था। अहियापुर थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला आया था। वो करीब 52-53 बरस का एक अधेड़ व्यक्ति पर दुष्कर्म का मामला लगाया गया था, और इधर जुवेनाइल बच्चा है, उस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज हुई है और उनका गिरफ्तारी भी हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मालूम क्या था, टीचिंग कराते थे क्या टीचर? हाँ, बताया तो रहा था कि टीचर कराते थे। गिरफ्तार करके? हाँ, गिरफ्तारी हुई है और जेल जाएंगे।